74 की बात करते हैं, इसमें बोलता है कि एक ट्रायंगल है LMN, इसमें LM का वैल्यू 5√2 है, LN का वैल्यू 13 है, LMN का वैल्यू 35 डिग्री है, तो हमें MN का वैल्यू बताना है। माफ़ कीजिएगा 135 है, तो 135 वाला बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। 135 इसलिए दिया है ताकि आप एक्सटेंड करके इसको 45 बना सको। एंगल कौन सा है LMN, ये हो गया आपका 135 डिग्री, और देखा जाए तो LM का वैल्यू है 5√2 और LN का वैल्यू कितना है 13, हमें निकालना क्या है MN, तो बेझिझक आप बोल पाएंगे कि MN का वैल्यू 7 होगा। कैसे हुआ आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, NM को एक्सटेंड करने वाले हैं, फिर L से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम रख लेते हैं P। तो ध्यान रहे अगर ये 135 है तो ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 होने से क्या हो गया कि ये दोनों सेम होगा और x का वैल्यू होगा आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 हो गया। अच्छा एक बात बताइए कैसे 5 होगा, तो स्क्वायर करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा 5√2 का होल स्क्वायर। क्या पी एम एन जो एक राइट एल पी एन ए क्या है आपका राइट ट्रायंगल है, अगर ये राइट ट्रायंगल है तो पी एन का वैल्यू पाइथागोरियन ट्रिपलेट से निकाल लेंगे, रूट का 13² - 5² करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, पी एन 12 सेंटीमीटर है, इसमें से पी एम हो गया 5 सेंटीमीटर, एम एन कितना बचा 7 सेंटीमीटर, यही आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए जब भी 135 आए तो ऐसे एक्सटेंड करके 45। तो अगर ये वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सारे बेस्ट PYQ का सलूशन मिलेगा आपको डिटेल में, और अगर हम यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉल्यूशन के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।